हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 13th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 12 तक, तो हमने आयोनिक बॉन्ड पूरा कंप्लीट कर दिया था और इवन आयोनिक बॉन्ड के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किए थे। नाउ स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने एमसीक्यू जो डिस्कस किए थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक था क्लासवर्क और एक था होमवर्क। क्लासवर्क के अंदर 70 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और 55 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे ना। अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की स्टूडेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड की बात करें, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे दो एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने बोला, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। सो अगर बात करें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एटम्स के पास एक एक बॉन्ड या एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल में और कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। पहली बात तो एटम वापस से बच्चों बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एंड टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहला जो केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज 2C2E bond. It is also known as 2C2E bond. Now, what is the meaning of 2C2E bond? 2C2E bond का मतलब होता है two atoms या two centers, two electron bond. मतलब दो center, दो atoms होंगे और दोनों के बीच में एक एक electron क्या हो गया, share हो गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, imagine करो अगर हम बात करें H2 molecule की, ठीक है ना, ये 2C2E क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। अगर हम बात करें बच्चों H2 मॉलिक्यूल की, तो मेरे पास में एक हाइड्रोजन एटम होगा, ये दूसरा एक हाइड्रोजन एटम होगा और दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा इस तरीके से। सो दिस इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था। तो यहाँ पे मुझे तक कितने सेंटर हो गए, एक हाइड्रोजन नंबर वन, सेंटर नंबर वन, ये सेंटर नंबर टू, कितने सेंटर है, टू सेंटर। तो टू सी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन, सो टू सी टू ई बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज के बाद क्या रखेंगे, याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये बॉन्ड बना कैसे, तो स्टूडेंट सबको पता है हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसका ये न्यूक्लियस है बच्चों, इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो अगर मैं इसका लोही स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था, यस, दूसरे हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, यस। तो दोनों ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और जैसे ही दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे भी ये कैच आएगा और दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए। तो अगर हम बात करें इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन का बेटा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का भी बेटा क्या कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो कह रहा है से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन, That is double covalent bond. Now double covalent bond में double bond होगा तो मुझे बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2C 4E bond. Why 2C 4E bond? Because दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों,
टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बोलूं तो सबको पता होगा O2 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? O2। तो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, करेक्ट। O2 में क्या होगा, ये ऑक्सीजन नंबर वन है और ये ऑक्सीजन नंबर टू है, ठीक है। सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास में एटॉमिक नंबर के हिसाब से छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? छह। सर कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2.6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? छह इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर ऑब्वियसली दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं शेयरिंग की, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा और कुछ इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर, ये लोन पेयर, लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। लोन पेयर क्या? क्योंकि वो बेटा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बॉन्ड बनाने में तो सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों याद रखना, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कौन सा पेयर बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड पेयर। तो कैन वी से दैट, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर नहीं कर रहे। तो इनको कौन सा पेयर बोलेंगे? लोन पेयर, ठीक है। और जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे बच्चों? बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। तो कह रहे हैं जब बॉन्ड बन जाएगा तब हम इसको कैसे शो करेंगे? इस तरीके से, ओ दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब भी एक बॉन्ड होता है, ये दो। फिर यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, कहीं पे भी शो कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे भी एक लोन पेयर और यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, ये क्या है बच्चों? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इनको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटर कितने हुए? एक और ये दूसरा, दो सेंटर हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन्स मत गिनना, ये थोड़ी बॉन्ड बना रहे। यहाँ पे जैसे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने? चार इलेक्ट्रॉन। सो थ्री, सॉरी टू कार्बन फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो टू सेंटर या फिर टू सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे, कार्बन ने टू सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर हम बात करें थर्ड एंड द लास्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां पे बेटा सेंटर तो दो ही होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? छह इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2C6E बॉन्ड, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों N2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? N2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करें N2 मॉलिक्यूल के बारे में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2.5। तो अगर 2.5 है तो कैन वी से दैट इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कितने? 5। सो इसको कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे? 3। तो मैंने इस वजह से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज इट इज लिख दिया डायरेक्टली। तो कैन वी से दैट यहाँ पे भी कितने? 3 और यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो आप मुझे बता इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे हमको? यस, 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? शेयर करने पड़ेंगे। तो कैन वी से दैट ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाएंगे कि लोन पेयर बनाएंगे बच्चों? बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। और इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। इसको अपन शॉर्ट में आगे के लेक्चर में यूज करेंगे, एलपी और इसको बीपी, राइट। तो ये बेटा याद रखना, लोन पेयर को अपन शॉर्ट में लिखेंगे एलपी और बॉन्ड पेयर को बीपी लिखेंगे। इज इट क्लियर ना? अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड्स आ जाएंगे? 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो 3 बॉन्ड को ऐसे शो करेंगे हम लोग, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी एक क्या होगा? लोन पेयर। सो दिस इज अ ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड. सो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, दिस इज नोन टू बी अ डैश, अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो याद रखना बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के इसमें से तीन तक ही हो सकते हैं, चार नहीं हो सकते. सर चार क्यों नहीं हो सकते? वो जब हम लोग आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल में, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि दो एटम्स के बीच में चार बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते बच्चों. तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए. व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैस. ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग भी बॉन्ड बना रहे. तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. अभी एनसीईआरटी में तो बेटा ये दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग फिर भी एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे, तो हम लोग पहले से पढ़ेंगे 2C2E बॉन्ड बोलेंगे इसको, क्योंकि दो सेंटर है, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो सेंटर है, चार इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे दो सेंटर है, छह इलेक्ट्रॉन है. इस वजह से 2C6E, इसको 2C4E और इसको 2C2E बॉन्ड बोलेंगे. इज इट क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसकी कोवैलेंसी, जैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में, यस, वैसे ही बच्चों कोवैलेंसी भी होता है. व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 1. यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है, और ये तीन बॉन्ड भी बना सकता है किसी किसी सर्टन केसेस में, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, 2 हो जाएगी. इसकी अगर हम बात करें तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3. नाइट्रोजन भी बेटा 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग स्पेशल केसेस में देखेंगे. तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेम कंसेप्ट, कोवैलेंसी. जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई भी एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है उसको उसका क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी. So covalency is defined as the number of covalent bonds made by an element. The number of covalent bonds made by an element is known as its covalency. इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोवैलेंसी. सो व्हाट इज अ कोवैलेंसी? इट इज अ नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट इज नोन एज व्हाट? कोवैलेंसी. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. ठीक है, तो ध्यान देना. कोवैलेंसी, अगर आपको हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2019 में क्वेश्चन भी था फ्लोरीन का, कोवैलेंसी के बारे में. सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी कोवैलेंसी हो जाएगी बच्चों 1. अगर मैं फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की बात करूं, तो इनका कोवैलेंसी बच्चों 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है. आई गिव यू एन एग्जांपल्स वेयर यू कैन सी 7 कोवेलेंसी आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई टेक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं. आप लोग ने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा H3O+, तो मुझे था इसमें ऑक्सीजन ने बेटा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया. ठीक है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ऑक्सीजन के बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है वो है 3 और 4. ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, 5 नहीं, बराबर है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते रहेंगे कि सर नाइट्रोजन तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है HNO3, तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक है ना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज नॉट कोवैलेंसी. कोवैलेंसी मतलब उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके का देखने को मिलेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. अभी नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए बेटा? 4 ही बनाए बेटा. और अगर अमोनिया की बात करूं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन ऐसे वाले देखे होता है 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनाए बच्चों? 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाए. तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मेड बाय एन एटम. ठीक है, अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का जो कोवैलेंसी है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है. तो कोवैलेंसी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल.
कार्बन का कोवैलेंसी सबको पता है, इट इज 4, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको कोवैलेंसी पता करना है। सो फाइंड और आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन फॉलोइंग, किसी में क्लोरीन की होगी, किसी में ब्रोमीन की होगी, किसी में आयोडीन की होगी। चलो फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, HClO2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं HClO4। तीसरा एग्जांपल लेते हैं HBr, ठीक है। चौथा एग्जांपल लेते हैं H2CO3। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में भी हमने पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे सल्फर भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इन पांचों कंपाउंड्स में आपको क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर सल्फर का क्या पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी कोवैलेंसी। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इन सब कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाना हमको आगे आने वाला है, ठीक है, आगे आने वाला है। बट मैं सिर्फ इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आगे हम लोग स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीखेंगे। सो डोंट वरी, अभी जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और आपको खाली इसका कोवैलेंसी पता करना है। तो आप बताओ, इस कंपाउंड में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। सो व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सॉरी, सो कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि इसने तीन बॉन्ड बनाए। अगर मैं बात करूं HClO4 की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें क्लोरीन ने बेटा टोटल कितने, अगेन आई एम सेइंग डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर्स, आगे हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर्स भी कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो व्हाट इज द कोवैलेंसी बच्चों? कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 7। HBr बेटा दुनिया का सबसे इजी है। अगर ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन का कोवैलेंसी कितना है बच्चों? 1 है। तो कोवैलेंसी ऑफ ब्रोमीन, यहाँ पे HCl होता तो अभी भी क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना होता? 1, ठीक है। तो मैंने 7 वाला भी एग्जांपल दिया, 3 वाला भी दिया, 5 वाला भी हो सकता है, अगर इधर एक और डबल बॉन्ड आ गया तो वो HClO3 हो जाएगा, ठीक है। H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, OH C डबल बॉन्ड OH। तो व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, इसमें बच्चों कार्बन का पूछा है, तो बताओ कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों ये होता है स्ट्रक्चर। तो अगर मुझे सल्फर का कोवैलेंसी पूछा है तो सल्फर में यहाँ पे कोवैलेंसी कितना है बच्चों? 6 है। तो सल्फर का कोवैलेंसी 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, इस वजह से इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप मुझे लगता है आराम से सॉल्व कर पाओगे ना। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, क्योंकि 12th में एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन दूंगा जितना हमको यहाँ पे जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको आगे यूज भी करना है, इस वजह से अगेन आई एम सेइंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें? यस, इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर है उसमें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मुझे बताओ। इट इज अ टाइप ऑफ, सबसे पहली बात, इट इज अ टाइप ऑफ डैश बॉन्ड बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन लाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक ही एटम जो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता है, नहीं समझा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए था, फिर दोनों ने मिलकर शेयर करना चाहिए था, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो कहना है बच्चों, ये हो जाएगा डोनर एटम, ये क्या हो जाएगा? डोनर एटम, और ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर एटम। कौन सा एटम हो जाएगा? एक्सेप्टर एटम। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ कि एक्सेप्टर हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो केमिस्ट्री में याद रखना,
इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, साइंटिस्ट को पता ही होगा इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, बराबर है। तो जब ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ट्रांसफर नहीं कर रहा, दिस इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो शेयर करने के बाद ये पिक्चर ऐसे ही दिखेगा। तो ये तो सर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हो गया। हाँ, आप इसको इस तरीके से लिखो, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके। सर ये एरो कैसे आ गया, एरो कैसे आ गया? बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है वो है बच्चों कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम लोग किससे दिखाते हैं, एरो से, बराबर है, एरो से दिखाएंगे इसको, हमेशा याद रखना। इसको नॉर्मल ऐसा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग हमेशा किससे दिखाएंगे, एरो से। और एरो जो है वो हमेशा शुरू होगा किससे, डोनर से, और जाएगा किसकी तरफ, एक्सेप्टर की तरफ, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोनर से किसकी तरफ जाएगा, एक्सेप्टर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उससे किसकी तरफ जाएगा, एक्सेप्टर की तरफ। तो आज के बाद जब भी एरो वाला बॉन्ड दिख जाए, कौन सा बॉन्ड, एरो वाला, तो समझ जाना क्या है, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के लिए चाहिए वो किसने दिए है, सिंगल एटम ने दिए, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर और मैं थोड़ा सा और अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स बोलूंगा, आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सबसे पहले अमोनियम आयन सबको पता होगा बच्चों, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। सर कैसे, ये हम लोग ने आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। नाइट्रोजन बच्चों सबको पता है NH3 बना था, ये सबको पता ही होगा। नाइट्रोजन में NH3 में नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर है। तो याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए डोनर एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि तीन बॉन्ड है, 3 2 6 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और लोन पेयर तो है ही इसके पास। अगर मैं इसका प्रोसेस करा दूं किसके साथ, H+ के साथ, इस तरीके से, तो ये H+ को अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एरो वाला बॉन्ड, ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर। तो जब हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसको क्या लिखेंगे, NH4, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज है, +1, तो प्लस हो गया। तो एक बात का ख्याल रहे सबको, सर क्या, एक बात का ख्याल रहे, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस आएगा, एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ रूल्स है। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट सबको पता है, लिथियम से लगा के नियॉन तक। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट आपको अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो इस बॉन्ड को सिंपली रिप्लेस करो बाय, और रिप्लेस, विल राइट, रिप्लेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड पुट प्लस ऑन डोनर एंड माइनस ऑन एक्सेप्टर। डोनर के ऊपर क्या पुट करोगे, प्लस, एंड एक्सेप्टर के ऊपर क्या करोगे, माइनस। जैसे कि सर समझाओ, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को, ध्यान से देखना समझो, इस मॉलिक्यूल को, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाँ सर, इसको मुझे कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन है बाय द वे, ये तो सर डोनर है, और ये कौन है बाय द वे बच्चों, ये सर एक्सेप्टर है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, करेक्ट। तो अगर इफ इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, देन व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली रिप्लेस दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। डोनर के ऊपर प्लस आ जाएगा,
एक्सेप्टर के ऊपर क्या आएगा माइनस, बट सुनो इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है तो वो प्लस और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये मैथ्स नहीं है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके पास डेफिशिएंसी है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4+। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बट आंसर तो सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं H3O+ की, ठीक है H3O+ की, तो सबसे पहली बात तो ये कि वॉटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया H+, तो इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया बच्चों। एक लोन पेयर देने के बाद आप बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। एक लोन पेयर तो बच गया, ये बटा इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, H+ हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मुझे इसको इसको वापस से एग्जांपल देखना, इसको कोवैलेंट में कन्वर्ट करना है, अभी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसको कोवैलेंट में कन्वर्ट करना है तो ये पिक्चर में ऐसा है। हाँ सर, अगर मुझे कोवैलेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एरो वाले बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे किससे, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से। डोनर कौन है, डोनर ये इसने डोनेट किया था, देखो डोनर कौन है, ये था, तो इसके ऊपर क्या आएगा लोन पेयर तो था ही, लोन पेयर तो क्या था बेटा प्रेजेंट था ही ना। अभी इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, बराबर है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आना चाहिए बट इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो कह रहे हैं दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू H3O+, क्यों, क्योंकि O के ऊपर तो प्लस है ये। ठीक है ना, अगर वो एलिमेंट सेकेंड पीरियड का नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्ड और हायर पीरियड, फॉर थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट, अगर वो थर्ड या हायर पीरियड का एलिमेंट है तो क्या करेंगे नाम सर, तो कुछ नहीं करना बच्चों, रिप्लेस रिप्लेस एरो बाय डबल बॉन्ड, खत्म, रिप्लेस एरो बाय डबल बॉन्ड। एरो को बेटा सिंपली किससे रिप्लेस कर देंगे, डबल बॉन्ड से कर देंगे। सर कैसे समझाओ जरा, इसका एग्जांपल बेस्ट वाला देता हूँ, ध्यान देना। अगर मेरे पास में सल्फर डाइऑक्साइड है, सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर 16 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे, बराबर है। इसने बच्चों डबल बॉन्ड ओ बना लिया, डबल बॉन्ड ओ बना लिया, ठीक है ना, तो फिर भी इसके पास एक लोन पेयर क्या हो गया, बच गया। अगर मैं इसके पास में एक नेसेंट ऑक्सीजन दे दूं, बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है तो 6 ही है, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दो इलेक्ट्रॉन वो यहां से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे एस डबल बॉन्ड हो, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल एस डबल बॉन्ड हो तो ढाई, और यहां पे एक क्या बन गया बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर है, ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी ध्यान से देखिए, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब जो डोनर है, डोनर ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कौन है वो, डोनर होना चाहिए, डोनर। यहां पे भी थर्ड और हायर पीरियड का एलिमेंट कौन है बच्चों, डोनर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डोनर है, हाँ, तो ये जो डोनर है वो बेटा कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो अगर आप इसको रिप्लेस और इसको कोवैलेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या करोगे, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसको भी रिप्लेस करके क्या डालोगे, डबल बॉन्ड। कहीं पे भी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन ऐसा कैसे, प्लस माइनस को लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बताऊं कि आपको क्यों, इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन समझो क्यों नहीं लिखते हैं प्लस माइनस, एकदम सिंपल बता दो आप मुझे, तो अगर मैं इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करूं, सिंगल बॉन्ड में, तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर प्लस आएगा, हाँ, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, हाँ सर बराबर है। आप मुझे बताओ प्लस माइनस क्यों आया, बिकॉज ये वाला रूल अप्लाई किया, लेकिन आपको नहीं लगता बच्चों ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, तो पूछे बताओ इनके पास में वेकेंट डैश ऑर्बिटल होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, अभी ध्यान से सुना बच्चों, ये वाला जो लोन पेयर है वो ये इसको दे सकता है, कौन, ऑक्सीजन किसको देगा, सल्फर को। तो अगर ये इसको लोन पेयर दे रहा है तो आप बताओ पिक्चर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो था ही,
अभी यहां पे एक एरो वाला बॉन्ड बन गया ऐसे, देख लो, इसको तो मैंने कोवेलेंट में कन्वर्ट कर ही दिया था, अभी ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कोवेलेंट को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो बेटा मैंने कोवेलेंट में कन्वर्ट कर ही दिया था, अभी यहां पे एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, तो मुझे बताओ यहां पे बच्चों क्या हो गया, इस तरीके से था, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस तो था ही ना, वो तो जो था वही है, अगर मैं इसको भी वापस किसमें कन्वर्ट करूं, कोवेलेंट में, तो अभी बता डोनर कौन था और एक्सेप्टर कौन था, सर डोनर अभी ये था, तो अगर ये डोनर था, अगर ये डोनर था तो अभी इसके ऊपर क्या आएगा, डोनर के ऊपर प्लस और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस, तो आप बताओ अगर इसके ऊपर प्लस लाना ही था मुझे, तो ये प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इसके पास दो लोन पेयर बच गए, और इसके ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस माइनस वो भी कैंसल, तो इस वजह से मैं आपको बोल ही रहा था बेटा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इतना ही सिखा रहा हूँ, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको दो तीन बार अच्छे से रिवाइज करना, फिर हम लोग इसको डाउट सॉल्विंग में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, कोवेलेंट बॉन्ड हमने जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन इट इज, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। कोवेलेंसी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसको उसका कोवेलेंसी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था बच्चों की कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज सीखा है, इतना ही है, इसके अलावा वापस फ्यूचर में हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा नहीं। ये जो H3O प्लस होता है वो और भी वाटर के साथ मिलके, और भी वाटर के साथ मिलके H3 और ये दो तो 5 O2 प्लस बना सकता है, और वाटर के साथ मिलके H5 2 7 O3 प्लस बना सकता है, और भी वाटर के साथ मिलके H9 O4 प्लस ये भी बना सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रहे तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, NCERT में दिया हुआ है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। ये वाटर के साथ और ऐड हो के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बना के इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मूलाज भी देखने को हमको मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एक बात याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक में इसको यूज करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो अगर सेंट्रल एटम जो डोनर है वो सेकेंड पीरियड का है तो प्लस माइनस लिखेंगे, और अगर वो सेकेंड पीरियड का नहीं है तो उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर, आज का लेक्चर में थोड़ा छोटा ही बना दो, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी आपको कोई पीडीएफ नहीं दिया गया, थोड़े लेक्चर्स खत्म होने के बाद कोवेलेंट के फिर हम लोग पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।